लगातार हो रही बारिश ने किया कोतमा के लोगों की आवाजाही में डाली खलल। एक तरफ कोतमा नगर पालिका परिषद का चुनावी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। यहां बीच बीच कभी में आसमान साफ होता है तो कभी चुनावी माहौल को देखकर बारिश अपना रूप दिखाने लगती है। नगर में चारों ओर लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। कोतमा नगर में सारा आलम थम सा जाता है। चुनावी माहौल अपने चरम सीमा पर है। लगातार हो रही बारिश कोतमा में मौसम ठंडा कर सकती है, लेकिन चुनावी माहौल के सर करम जोशी को नहीं। तेज बारिश का लुत्फ उठाते हुए सभी प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। कोतमा नगर पालिका के पार्षद का चुनाव 27 सितंबर 2022 को हो जाना है, किंतु ताबड़तोड़ बारिश कब तक अपना जोर दिखाती है। कुछ कहा नहीं जा सकता। दिनांक 26 सितंबर 2022 को नगर में दुर्गा का भी आगमन है। शायद तब तक बारिश दुर्गा के भक्तों पर कुछ कृपा करे। देखना होगा बारिश का मूड कब तक बदलता है। कोतमा से निर्मला सिंह की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। 5 लाख रुपए का इलाज उसका निशुल्क कराएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जब किसी गरीब के घर उसका मुखिया, आप कल्पना करो, किसी गरीब के घर जब उसका मुखिया खत्म हो जाता है तो सोचो उसके उसको तो लगता कि सब कुछ समाप्त हो गया। एक तो गरीबी, उसके बाद से परिवार के मुखिया का चला जाना, वो दर्द, उस दर्द को समझा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। संबल योजना बनाई, संबल वो सहारा, वो सहायता गरीबों के लिए कि 2 लाख रुपए की तत्काल राशि उपलब्ध कराना, एक्सीडेंटल केसों को 4 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराना, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। मित्रों, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं, हेलो।